पुत्र, राजवैद्य को वचन दिया था कि मैं अपने बड़े बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी तारा से करूंगा। ये तो मैं नहीं जानता कि तुमने कैसे क्या किया, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि हमारे राज्य में जो खुशियां लौट आई हैं वो तुम्हारे कारण ही हुआ है। देवी, महाराज सूरत को कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें, सब ठीक ही होगा। किंतु मारुति, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। यदि कन्यादान से पहले पिताजी यहाँ नहीं पहुँचे तो महाराज के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यदि कन्यादान से पहले पिताजी यहाँ नहीं पहुँचे तो महाराज के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। हाँ मारुति, यही चिंता हमें भी सता रही है। यदि विश्वकर्मा देव समय पर नहीं आए तो फिर क्या होगा? आप सब तो यूं ही चिंतित हो रहे हैं। जब अभी तक शुभ शुभ हुआ है तो आगे भी सब ठीक ही होगा। इन सबको तो समझा रहा हूँ, किंतु मुझे भी तो यही चिंता सता रही है। यदि जामवन काका समय पर विश्वकर्मा जी को लेकर नहीं आ पाए तो अनर्थ हो जाएगा। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। विश्वकर्मा जी, शीघ्र चलिए। विश्वकर्मा देव, हमें शीघ्र पहुंचना होगा। विश्वकर्मा जी, अब विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी रुक क्यों गए, क्या हुआ? तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? छोड़ दो मुझे, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए मुझे। विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी, मैं आपको मुक्ति दिलाने ले जा रहा हूँ। नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला, मुझे मुक्ति चाहिए। विश्वकर्मा जी, देखिए, आपको लंगूरों ने पकड़ लिया था ना? हाँ हाँ, तो मैंने ही मुक्ति दिलाई ना? हाँ बोलिए। हाँ है ना, हाँ याद आया। दुष्ट, लंगूरों ने तो मुझे बहुत सताया था। हाँ, हाँ। अगर तुम नहीं आते तो वो मेरे प्राण ले लेते। विश्वकर्मा जी, देखिए, जैसे मैंने आपको लंगूरों से मुक्ति दिलाई ना, वैसे ही मैं आपको श्राप से भी मुक्ति दिलाने ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या सोच रहे हैं? अच्छा, तो चलो फिर। हाँ चलिए चलिए। ओम, अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। ओ मंगल भगवान विष्णु, मंगल महाराज, अब आप कन्या के गले में वरमाला डालिए। ओ मंगल भगवान विष्णु, मंगल कोटि भजा, मंगल पुरुली काक्षा मंगलावतार।
विश्वकर्मा जी, हमें शीघ्र ही महाराज सूरत के राज्य में पहुंचना है, वहीं आपको मुक्ति मिलेगी। शीघ्र चलिए और शीघ्र। कन्यादान के लिए कन्या के पिता को बुलाया जाए। होगा, ये तो रास्ता ही बंद है। वो देखिए जामुन जी, देखिए वहां से प्रकाश नजर आ रहा है। हाँ, यहीं से रास्ता होगा। चलिए चलिए। प्रभु हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अति विलंब हो गया है, और शीघ्र चलिए। मारुति, तुम तो कह रहे थे कि जामुन जी विश्वकर्मा देव को लेके आ रहे हैं, किंतु उनका तो अभी तक कहीं पता नहीं है। माला हो चुका है, यदि विश्वकर्मा देव का श्राप फलित हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि किस ओर जाऊं, और कोई है भी नहीं जिससे कि पूछ लूं। अरे भाई सुनो, भाई हमें महाराज सूरत के राज्य में जाना है, क्या तुम वहां का रास्ता जानते हो? ये महाराज सूरत का ही तो राज्य है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। चलिए विश्वकर्मा जी, चलिए आइए। राजगुरु जी, हमें ऐसा लग रहा है
जैसे हमारी शक्ति समाप्त हो रही है। महाराज, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे महाराज। चित्रांगदा, हमारे सांसें थम रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी अंतिम घड़ी आ रही है। महाराज, ये आपको क्या हो रहा है महाराज? चित्रांग, समझ में नहीं आ रहा है कि जामवन जी अभी तक आए क्यों नहीं। अरे भाई सुनो, आप जानते हैं महाराज सूरत का महल किस ओर है? बस सीधे जाओ, बाएं मुड़कर कुछ ही दूरी पर है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। लगता है महाराज के विवाह में आए होंगे। कहीं हमें देर ना हो चुकी हो। बस मैं आ ही रहा हूँ प्रभु। महाराज, राजवैद्य देखिए ना महाराज को क्या हो गया। विलंब हो चुका है। महाराज की सांसें टूट रही हैं।
अब बस कुछ ही पलों में महाराज का जीवन समाप्त हो जाएगा। महाराज परीक्षण कीजिए, इन्हें कोई तो औषधि दीजिए। देवी, यदि औषधि से कुछ हो सकता तो हम अवश्य देते, किंतु अब कोई भी उपचार कुछ नहीं कर सकता। अब बस कुछ ही क्षणों में महाराज की आत्मा उनका शरीर छोड़ देगी। महाराज की आत्मा उनका शरीर छोड़ दे, शरीर छोड़ दे। महाराज सूरत को कुछ नहीं होगा, हम इनकी आत्मा को शरीर से तब तक निकलने नहीं देंगे जब तक जामन काका विश्वकर्मा जी को लेकर यहाँ पहुँच नहीं जाते। पालन करना है क्योंकि आपके जीवन के साथ ही नल नील के जन्म का आधार जुड़ा है, इसलिए हम आपकी आत्मा को बाहर नहीं आने देंगे। अब आप सब लोग हमारे महल पधारिए और हमें आपके आतिथ्य का अवसर प्रदान कीजिए। आप सब चलिए, मैं अभी आता हूँ। नल नील का जन्म विश्वकर्मा जी और उनकी पत्नी घृताची के मिलन से ही होगा। घृताची कौन है?